गाइस ये है सुपर डार्ट चार्जर। जी हाँ दोस्तों, 65 वॉट वाला सुपर डार्ट चार्जर, और ये है Realme 7 Pro। एंड दीस टू व्हेन कंबाइंस एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये है वॉट मीटर। कंपनी क्लेम करती है कि वो इस फोन को 30 मिनट्स के आसपास में, जो कि 4500 mAh का बैटरी के साथ में आता है, वो इसको 30 मिनट के आसपास में फुली चार्ज कर देती है। तो लेट्स फाइंड दिस आउट कि ये वॉट मीटर के हिसाब से ये 65 वॉट का चार्जर कितना वॉट का आउटपुट देता है, और ये वाला फोन 30 मिनट के आसपास में चार्ज होता भी है, या फिर जो कंपनी क्लेम करती है उससे कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग साइड बाय साइड यहाँ पे Realme 6 Pro की भी चार्जिंग स्पीड को कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिसमें कि 30 वॉट का चार्जर मिलता है। तो भाई यहाँ पे 15 मिनट के बाद में हम लोग Realme 6 Pro में भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे कितना परसेंट चार्ज होता है, और 30 मिनट के बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो आखिरकार पता चले, क्योंकि आज भी काफी लोग का दिल Realme 6 Pro के लिए ही धड़कता है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा बेटर कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, टेलीफोटो लेंस है जो कि इसमें गायब है। चलिए नाउ लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, आप लोगों को तो पता ही यार होगा Realme 7 Pro का इसी फोन का यहां पे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, यू कैन श्योरली विन दैट आउट। और हां, इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं अपने फ्रेंड के साथ में। तो गाइस चलिए नाउ लेट गेट स्टार्टेड विद दिस एक्साइटिंग वीडियो। तो चलिए चलते हैं गाइज। यहाँ पे फोन चार्जर और वॉट मीटर तीनों हैं तैयार यहाँ पे क्लियरली। और देखिए भाई, यहाँ पे फोन में कभी 0% बैटरी देखी है? नहीं ना। तो भाई यहाँ पे था 0% बैटरी, और अब देखिए स्विच ऑफ हो चुका है फोन। तो भाई गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें जो एक्सेसरीज यूज़ की हैं वो बॉक्स के अंदर जो आई थी वही हमने यूज़ किया है। बॉक्स के अंदर वाला चार्जर और ये जो वायर है वो भी बॉक्स के अंदर में ही हमें मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हम लोग कर लेते हैं, और कनेक्ट करने के बाद देखिए बगल में हमने यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा के रखी है। तो देखिए सबसे पहले 1 मिनट में हम लोग यहाँ पे फ़ोन को स्विच ऑन नहीं करेंगे, स्विच ऑफ रख करके ही यहाँ पे चार्ज कर रहे। तो देखते हैं भाई मैक्सिमम कितना आउटपुट देता है वॉट मीटर इस चार्जर के साथ में। तो देखिए शुरुआत में तो कमी है, लेकिन इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, और देखिए गाइस 60 वॉट के आसपास की स्पीड मिली हमें, और लमसम में 1 मिनट आते आते उसकी स्पीड डिक्रीज होना चालू जो हो गई, और 3% ही चार्ज हुआ है 1 मिनट के अंदर। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमने स्विच ऑन कर दिया है फोन, और देखिए भाई यहाँ पे स्पीड हो गई कम, 38 वॉट की स्पीड से अब ये चार्ज हो रहा है। शुरुआत के 5 मिनट में ये फोन 16% चार्ज हो चुका है। तो गाइस एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो ये वॉट मीटर है ये 2-3 वॉट ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, ऐसा भाई सारे वॉट मीटर के साथ में होता है। तो मतलब 38 वॉट है ये, 40 वॉट भी हो सकता है, या फिर 36 वॉट भी हो सकता है। और ये देखिए, ये है Realme 6 Pro का वॉट मीटर का रिजल्ट शुरुआत के 15 मिनट का। 32 वॉट की स्पीड से वो चार्ज हो रहा था, मतलब भी 30 वॉट का चार्जर है, फुली तरीके से यूटिलाइज कर रहा था अपने आप को, और 30 वॉट की स्पीड के आसपास से ही वो चार्ज कर रहा था। पर यहाँ देखिए शुरुआत के 6 मिनट में ही ये 65 वॉट की स्पीड से ना चार्ज करके केवल 38 वॉट की स्पीड से चार्ज करता है, और शुरुआत के 5 मिनट में 23% चार्ज होना चाहिए था ये फोन, पर ये अभी केवल 16% ही चार्ज है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस गाइस। तो गाइस 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि भाई 10 मिनट के बाद ये फोन लमसम में 30% के आसपास में चार्ज हो चुका है। लेकिन गाइस यहां पे जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है समथिंग डिफरेंट। यहां पे 10 मिनट्स में हमारा 30% चार्ज हुआ, और कंपनी बोलती है कि भाई कम से कम 42% चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि भाई आखिरकार इसके आगे के रिजल्ट कुछ कंपनी से मैच भी करते हैं, और खासकर Realme 6 Pro 15 मिनट्स के बाद कितना परसेंट चार्ज होता है ये भी हमें चेक करना है। और देखिए अब स्पीड और भी ज़्यादा कम हो गई वॉट मीटर की, 28 वॉट की स्पीड से 42% अब जाके 15 मिनट में चार्ज हुआ है, और ये देखिए 15 मिनट में 58% चार्ज होना चाहिए था इसको। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन गाइज यहाँ पे जरा Realme 6 का भी देख ले, Realme 6 Pro का देख ले। Realme 6 Pro 30% चार्ज होता है 15% में, तो 42 और 30% में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है गाइस, ये भी आपको कंसिडर करना जो है पड़ेगा। तो भाई एक तो एडवांटेज है ही है कि भाई थोड़ा सा फास्ट चार्ज तो कर ही रहा है, लेकिन जैसा कंपनी क्लेम करती है ना वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने कहीं फ़ोन को स्विच ऑफ करके तो चार्ज नहीं जो किया था, बिकॉज यहाँ पे जो भी कंपनी रिजल्ट दिखाती है चार्जिंग स्पीड का, दैट आर एक्चुअली डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जिसमें कि चार्जिंग स्पीड और भी बढ़िया है। देखिए 19 मिनट में 52% लमसम में चार्ज हुआ है, तो लमसम में 18 to 19 मिनट लेता है 50% चार्ज होने में ये फ़ोन। और देखिए वॉट मीटर बता रहा है कि 28 वॉट की स्पीड से चार्ज हो रहा है, भाई 65 वॉट का चार्जर है, कम से कम एटलीस्ट अप टू 70% तो आप यहाँ पे 65 वॉट की स्पीड से चार्ज कर सकते हैं, पर वो फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिलता है। लेट्स सी गाइस यहाँ पे 30 मिनट्स के बाद ये फ़ोन
कौन कितना परसेंट चार्ज होता है, क्योंकि कंपनी तो क्लेम करती है कि 34% में यहाँ पे फुल चार्ज हो जाता है। सो लेट्स फाइंड दिस आउट। तो गाइस उससे पहले जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे 30 मिनट्स होने वाले हैं और इन 30 मिनट्स में कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो भाई 77% चार्ज हुआ है और जो 34% में तो ये फुल चार्ज होने से रहा, लेकिन रियलमी 6 प्रो देखिए 34 मिनट में यहाँ पे 62% चार्ज होता है। जहाँ पे रियलमी 7 प्रो 100% चार्ज होना चाहिए था, वहाँ पे रियलमी 6 प्रो 62% चार्ज होता है। और लेट्स फाइंड इट आउट कि आखिरकार रियलमी 7 प्रो फुली कितना परसेंट में चार्ज होता है रियल लाइफ टेस्ट में। और देखिए अब यहाँ पे वॉट मीटर और भी कम हो गया भाई, 15 वॉट की स्पीड से चार्ज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 90% हुआ देखिए कितना कम जो हो चुका है। और मैं अगर बताऊँ तो दूसरे जो फ़ोन के चार्जर्स हैं ना वो या 90 या 99% होने के बाद में 10 वॉट की भी स्पीड से कम चले जाते हैं, यहाँ तो 99% हो चुका है। 45 मिनट्स होने को हैं, लेट्स सी यहाँ पे 45 मिनट में फुली चार्ज हो पाता है कि नहीं। 99.50% हो चुका है गाइस, सो आई थिंक इन 45 मिनट में ही हो जाएगा। एंड आई गेस यस 45 मिनट में हो चुका था गाइस, ठीक है। तो गाइस यही था, अगर वीडियो पसंद आई, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश करी है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी थी, पसंद आई तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, यहाँ पे रियलमी 7 प्रो के गिव अवे के में जाके पार्टिसिपेट करिएगा, यू कैन एक्चुअली विन दैट आउट फॉर श्योर। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था, धन्यवाद।